દેશના જવાન માટે તો સૌ કોઈ કામ કરતા હોય, પણ શું તમને ખબર છે કે શહીદો માટે અને તેમના પરિવાર માટે પણ કામ કરી રહ્યું છે? તો હા, તો આપને ખબર નહીં હોય તો આપણે બતાવી દઈએ કે સુરત શહેરમાં રહેતા એસવીએનઆઈટી કોલેજમાં સિક્યુરિટી ગાર્ડની નોકરી કરતા ચિતેન્દ્રસિંહ ગુર્જર, જેઓ શહીદો અને શહીદોના પરિવાર માટે કામ કરી રહ્યા છે. સુરતના ભાડાના મકાનમાં રહેતા એવા અહીં સિક્યુરિટી ગાર્ડની નોકરી કરતા તે શહીદો અને શહીદોના પરિવાર માટે કામ કરી રહ્યા હોય જિતેન્દ્રસિંહ ગુજર, કે તેમનું સપનું હતું કે સેનામાં જવાનું, પણ કોઈ કારણસર તેઓ સેનામાં ન જોડાઈ શક્યા. પરંતુ સેના માટે કઈ રીતે ફાયદારૂપ થઈ શકાય તે માટે તેમની હંમેશાથી પ્રયત્નો કર્યા અને દેશમાં જે કોઈ ના કરી શક્યું તે તેમણે કરી બતાવ્યું. તેઓ 1914 થી આજ રોજ સુધીમાં જેટલા પણ યુદ્ધ થયા અને તેમાં જે પણ જવાનો શહીદ થયા તમામની માહિતી આપની પાસે છે. સેના માટે, શહીદો માટે અને શહીદોના પરિવાર માટે તેમણે ગૂગલ બાબાનું કામ કર્યું. ત્યારે જિતેન્દ્રસિંહ દ્વારા શહીદ પામેલા જે પણ વીર જવાન છે તેમની માહિતી એકઠી કરી અને પરિવારને આપતા હોય છે. પરિવાર વીર જવાન શહીદ થાય ત્યારે તેમના પરિવારને જિતેન્દ્રસિંહ પોતે પત્ર લખે છે અને તે વીરતાને નમન કરે છે. ये मैंने कागज में लपेट के प्लास्टिक में लेमिनेशन करके और पैक करके रखे. मैं आगे ये सब मेरी सिक्योरिटी की हैसियत में शामिल नहीं, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि मैं एक शहीद हॉल बनाऊँ जहाँ पे ये सब पूरा एक भव्य म्यूजियम लगाऊँ और वहाँ पे इन सब जवानों के फोटो में लगाऊँ और आने वाला भारत इन शहीद जवानों के बलिदान से सच्ची राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा ले और देश को आगे बढ़ाए. हाँ, भारत में भी ऐसा म्यूजियम होना चाहिए. और अभी दिल्ली में जो 3-4 साल हुए अभी जो वहाँ पे जो समर वार म्यूजियम जो बनाया है जिसपे पूरे 26,400 नाम लिखे हुए हैं आज़ादी के बाद से अब तक के, तो हर दिन लोग वहाँ पर उनको देखने आते हैं और देशभक्ति की प्रेरणा लेते हैं. तो अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देख के. मुझे भी खुशी हुई कि लोग वहाँ उनको देखने आते हैं. मैं एक ऐसा एक शहीद हॉल बनाना चाहता हूँ जिसमें ये सब फोटोज हों, 13,400 जो मैंने संग्रह करके रखे 24 सालों से मैं इतने जुटा पाया. आगे जाके मेरे पास ये सब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो मैं कोई मुझसे कोई डाटा मांगे तो मैं उसे दे सकूँ. मैं 24 साल में मैंने कई फैमिलीज़ को फ़ोटो पहुँचाए उनके वर्ल्ड वार से लेके अब तक के. 71 वार के 13 कुमाऊँ के एक जवान लाल सिंह के घर पर मैंने 3 साल पहले मियाँ से गया था जब उनका फोटो पहुंचाया था मैंने. नहीं, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति नहीं है. मैं रेलवे लाइन पे से पेपर बिन के लाया हूँ. लोग आउटपुट निष्कासन मार्ग रगड़ के और फेंक देते थे. मैंने पोटी हटा के साइड में किया है और वहां से मैं शहीद की खबर लेके आया हूँ. तो इस काम की कोई कीमत नहीं है, नहीं तो फिर काहे की राष्ट्रभक्ति. ये मैंने अपने गार्ड के लेवल पे किया है. यश मिलता है मुझे, गौरव मिलता है और आप जैसे लोग मुझे मिलने आते हैं और मुझे प्रकाशित करते हैं. आपने मुझसे तो कोई चार्ज नहीं लिया, मेरी देशभक्ति का सम्मान किया, तो इसलिए मैं शहीद परिजन से मैं कभी कोई इसके लिए कोई चार्ज नहीं लेता इसका. और ये मुझे सदा ही करना है, हमेशा देना है मुझे.